नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x, sec x का x के सापेक्ष समाकलन। तो sec x का x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए करते क्या हैं, ऊपर नीचे मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया हमने sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले sec x प्लस tan x को हम t मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो sec x का क्या हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x tan x, और इसका हो जाएगा tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। और क्या करते हैं, इधर वाले t का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो t हो जाएगा हमारा dt dx, ठीक है। अच्छा देखिए, इन दोनों में हम कॉमन लें तो sec x कॉमन ले सकते हैं, तो हमने sec x कॉमन ले लिया, तो देखो यहां पे sec स्क्वायर है तो ये sec x बचेगा sec x, और यहां पे tan x बचेगा। अच्छा इस dx को इधर ले आओ तो ये dx हो जाएगा sec x इंटू sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, यानी कि ये ऊपर वाला पूरा dt के बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन t हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dt बाई t, और dt बाई t 1 बाई t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, log मॉडुलस t प्लस c, अट्टी का वैल्यू रख दीजिए जो आपने लेट किया है, तो यह आ जाएगा log sec x प्लस tan x प्लस c। अच्छा एक तो यह है, दूसरा एक तरीका हमारा और है, अगर हम इसे sec x प्लस tan x को किस में चेंज कर दें, sin cos में चेंज कर दें, इधर चेंज कर लेते हैं, है ना, तो और एक फॉर्मूला बन सकता है ये, एक तो हमारा ये हो गया डायरेक्ट, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे sec x dx। अच्छा फिर अंदर वाले को जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है sec x plus tan x, इसे हम चेंज कर रहे हैं। देखो sec x को हम लिख सकते हैं 1 by, कितना लिख सकते हैं 1 by cos, और tan x को लिख सकते हैं sin x by cos x, तो cos x LCM आएगा, ऊपर बन जाएगा कितना हमारे पास 1 plus sin x divided by cos x, अरे वही लिखा हुआ 1 by sec x, 1 by cos x, यानी कि sec x बन जाएगा और tan x बन जाएगा। अच्छा ऊपर 1 हटाना है तो मतलब कि साइन में पहले साइन की जगह पे कॉस को लाया जाए, क्योंकि कॉस वाले फार्मूले में होता हाफ एंगल में, तो उसे चेंज करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे कॉस का पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई, नीचे आते हैं कॉस के पास, तो कॉस क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम कॉस को लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे। अच्छा यह तो हम एक तरीका और कर सकते हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको कॉस में लिखा जाए तो इसे माइनस का कर दो, इसे प्लस का कर दो, ठीक है। हाँ भाई पाई बाई टू प्लस एक्स, आप हमको पता है कि कॉस 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस देगा तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को हमें साइन चेंज करना है, इसे तो वही रहने दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि साइन पाई बाई टू प्लस एक्स भी कॉस एक्स होता है, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स भी कॉस एक्स होता है, ठीक है, हम दोनों को प्लस में चेंज कर ले रहे हैं। ऊपर देखिएगा वन माइनस, इसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो ये वन होता है और ये प्लस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर, यहां एंगल हाफ होंगे तो ये हाफ है तो पाई बाई फोर हो जाएगा, पाई बाई फोर प्लस का एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, नीचे इसको भी हाफ एंगल में चेंज करिए, टू आ जाएगा साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस का पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, वन से वन काट देंगे, जब ये वन हट जाएगा तब हम कैंसिल कर सकते हैं कि इसको टू से कैंसिल कर सकते हैं, और इसको इससे पूरे पद को हटा सकते हैं, यानी कि ऊपर हमारे पास बचा साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, नीचे बचा कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, यानी कि अब ये बन जाएगा क्या बना, ये टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, है ना, यानी कि इसकी जगह पे हम रख सकते हैं क्या, यानी कि इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का एक फार्मूला और आ जाता है हमारे पास, इस फार्मूले को भी याद रखेंगे, है ना, इस फार्मूले को भी याद रखेंगे क्या, ये log इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे हमने रखा है tan पाई बाई फोर, tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखें, यानी कि इंटीग्रेशन sec x log sec x प्लस tan x प्लस c होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x यानी कि एक फॉर्मूला इसका और log tan pi by 4 प्लस x by 2 प्लस c होता है, ठीक है, ओके थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।